दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज दिल्ली के दबंग बल्लेबाजों ने कोलकाता के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि ये टीम पहले ही पावर प्ले में मुकाबले से बाहर हो गई है। जी हां, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर से लेकर कप्तान ऋषभ पंत ने केकेआर के खेमे में बल्ले से तबाही मचाकर रख दी है। और किस तरीके से इन तीनों ने दिल्ली को दुरुस्त करते हुए कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में अब तक सनसनी मचाने वाले तेज गेंदबाज उमेश यादव का सामना पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर जैसे खतरनाक बल्लेबाज से नहीं हुआ था। जी हां, जैसे ही कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया तो इसे बखूबी स्वीकार करते हुए ऋषभ पंत के दो शेर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने आज ये बता दिया कि उन्हें इस साल के आईपीएल की सबसे खतरनाक जोड़ी क्यों कहा जाता है। आपको बता दें कि पिछले मुकाबले में डेविड वार्नर के फ्लॉप रहने के बाद सबको ये लगने लगा था कि इस साल डेविड का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं करेगा, लेकिन आज पृथ्वी शॉ के साथ उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। और आपको बता दें कि उमेश यादव ने जब पहली गेंद पृथ्वी शॉ को करी तब इस बल्लेबाज ने उनकी पहली ही गेंद को बाउंड्री रेखा के बाहर पहुंचा दिया और आज अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए आते ही पहली ही गेंद से। और इसके बाद उन्होंने उमेश यादव की आखिरी गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए पहले ही ओवर में 10 रन ठोक डाले। दोस्तों, अब यहां से शुरू होता है खतरनाक मामला। जी हां, आपको बता दें कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की कत्लेआम बल्लेबाजी का यह सिलसिला यहां से शुरू हो चुका था और महज 4 ओवर में ही 50 रन बनाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने साल 2022 के आईपीएल का सबसे तेज 50 रन बना डाले। जी हां, इसके बाद दोस्तों ये मैच में 29 गेंदों में ही 50 रन ठोक कर पृथ्वी शॉ ने अपने पिछले मुकाबले की फॉर्म को बरकरार रखा और उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। वहीं दूसरे छोर पर डेविड वार्नर का बल्ला भी आग उगल रहा था, उन्होंने भी 27 गेंदों पर 42 रन बनाते हुए केकेआर के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। और वहीं पृथ्वी शॉ के आउट हो जाने के बाद एंट्री होती है दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक और दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की। और ऋषभ पंत आते हैं और आते ही काम पर लग जाते हैं। और आपको बता दें कि उनके लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी सबसे खतरनाक गेंदबाज जिन्होंने पृथ्वी शॉ को आउट किया वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने गेंद को आपको बता दें कि दिन में ही तारे दिखा दिए और गजब का छक्का लगा दिया। और इसके बाद उन्होंने उनकी दूसरी गेंद पर भी शानदार चौका लगाते हुए ये बता दिया कि सभी केकेआर के गेंदबाजों पर ये दोनों बल्लेबाज कोई रहम नहीं खाने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको बता दें कि वार्नर और ऋषभ पंत की कत्लेआम बल्लेबाजी का नतीजा ये रहा कि मैच 11 ओवर में ही दिल्ली 125 रनों के पार पहुंच गई। दोस्तों, जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज आतंक मचा रहे हैं उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में दिल्ली 250 से ज्यादा भी रन बना सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज के मुकाबले में ऋषभ पंत कितना ज्यादा रन बना सकते हैं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।